हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलजी के 668 लीटर्स का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने एक डायोज है जो कि साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। आगे मैं इसके आपको फीचर्स बताऊंगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें वाटर डिस्पेंसर है प्लस 3 डोर है, डोर इन डोर है। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर जो बताऊँगा, सबसे अच्छी चीज़ मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर इन्वर्टर लीनियर कंप्रेशर मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एलजी के डायोस के अंदर आता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये एक सिंगल फिक्शन पे वर्क करता है। अदर जो जैसे कि एलजी के अंदर नॉर्मल जो छोटी कैपेसिटी के फ्रिज आते हैं उसके अंदर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेशर आता है। उसके अंदर फ़र्क ये रहता था कि स्मार्ट इन्वर्टर जो कंप्रेशर आता है वो 4 फिक्शन पर वर्क करता है। उसके अंदर एक नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा रहता है जो कि लीनियर कंप्रेशर है, सिंगल फिक्शन पे वर्क करता है, किसी प्रकार का नॉइज़ लेवल वगैरह नहीं रहता है इसके अंदर। प्लस घर के इन्वर्टर पे भी चलता है, सेम टू सेम 28 वॉट्स पे वर्क करता है इन्वर्टर के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर एक अच्छी चीज़ तो ये दे रखी है कि डोर इन डोर है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एक और डोर खोल रहा हूँ, ये डोर इसलिए दे रखा है जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जो कि अपन ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह वो अपन के अंदर रखता है। अंदर रखने का मतलब ये नुकसान रहता है कि अपन पूरा डोर खोलना पड़ता है, अपन को अंदर से लेना पड़ता है, उसके लिए बहुत कूलिंग लॉस्ट हो जाती है। उसके लिए ये चीज़ दे रखी है, बाहर से डोर दे रखा है, जो भी आपको छोटा मोटा डेली रूटीन वाला सामान है ताकि आप बाहर से दे सको। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी चीज़ ये देखिए, क्लॉक डोर दे रखा है। क्लॉक डोर का ये बेनिफिट है जैसे कि जैसे आप इसको क्लॉक करोगे इसके अंदर लाइटनिंग आ जाती है। लाइटनिंग का ये बेनिफिट है, जो भी आपको अंदर पड़ा हुआ चीज़ है वो आप बाहर से देख सकते हो, मतलब उसके अंदर भी कूलिंग सेव है आपकी। अंदर से देखते हैं, अंदर से इसके अंदर एक अच्छी चीज़ दे रखी है, हाइजीन फ्रेश। कोई सी भी फ्रिज के अंदर हाइजीन फ्रेश नहीं आता है। हाइजीन फ्रेश का ये बेनिफिट है क्योंकि कुछ टाइम तक फ्रिज के अंदर सामान पड़ा रह जाता है तो उसके अंदर बैड स्मेल या कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं। हाइजीन फ्रेश में वो दिक्कत नहीं रहती, अगर ऐसा कुछ भी बैक्टीरिया बैड स्मेल है तो उसको किल कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। इसके अलावा इसमें अच्छी चीज़ ये दे रखी है कि वाटर डिस्पेंसर दे रखा है। वाटर डिस्पेंसर का ये बेनिफिट है, तो ये आपको चिल्ड वाटर, आइस क्रंच, आइस क्यूब तीनों निकाल के देगा। इसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी दे रखा है। जैसे कि डायोस के अंदर भी 2 तरह के फ्रिज आते हैं, तो प्लम्बिंग वाला जो कि आपके वाटर प्योरीफायर से कनेक्ट करता है, इसके अंदर वो सिस्टम नहीं आएगा। जैसे कि आप फ्रिज में देख सकते हो कि इसके अंदर 4 लीटर का टैंक दे रखा है, 4 लीटर का टैंक दे रखा है इस टाइप का। ये 4 लीटर का टैंक आएगा, आपको इसको यहाँ से रिफिल करना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 लीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको रिफिल करना है ताकि आप यहाँ पर चिल्ड वाटर और आइस क्रंच ले सकें, ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो पोर्शन रहेगा, ये इसका फ्रीजर पोर्शन रहेगा। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, एलजी के अंदर जो ग्लास भी आते हैं वो नॉर्मल ग्लास नहीं आते, टफन ग्लास आते हैं। 175 kg एक ग्लास के ऊपर आप वेट रख सकते हो। इसके अलावा गैसकेट भी आपको पता होगी, जो गैसकेट आती है वो एंटीमैटर गैसकेट आती है। पूरी गैसकेट आपके सामने जैसे खोल के दिखा रहा हूँ मैं, पूरी गैसकेट आप खोल सकते हो। ये जो डायोज है, ये एलजी का टॉप मॉडल आता है 669 लीटर्स का। अगर आप डायोज लेना चाहते हो तो इससे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।